तैयार। बैंक अकाउंट से उड़ा देते हैं मार, बचकर रहना क्योंकि आ गया है साइबर ठगी का जमाना। जरा सी हुई चूक, बैंक अकाउंट का सारा पैसा जाइए भूल। जी, आजकल के जमाने में जब साइबर ठगी अपनी चरम सीमा पर है, तो यहाँ अब सबको और ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। पता नहीं आपकी कौन सी गलती उड़ा देगी आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी। जी, जिंदगी की पूरी पूंजी उड़ाने की तैयारी कर ली है साइबर ठगों ने, फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर। साइबर ठग आजकल जो लोगों को लूटने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, ये उन्हीं में से एक तरीका है लोगों को लूटने का, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देने का। इसमें ठग फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करते हैं और आधार नंबर का इस्तेमाल कर बैंक से सारा माल उड़ा देते हैं। इस साल बिहार पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जिसने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस भी नहीं, सौ भी नहीं, 200 भी नहीं, बल्कि 512 क्लोन बनाकर तैयार कर लिए। SIT ने उनके पास से 512 क्लोन बरामद किए हैं। इन फेक थंब इम्प्रेशन को प्लास्टिक के अंगूठे पर तैयार किया गया था। ये स्मैकर्स या फिर कह लें ठग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। अब आप अगर पूछेंगे कि ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ये AEPS क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को साल 2014 में लॉन्च किया गया था। इस सर्विस का मकसद उन भारतीय लोगों को फायदा पहुंचाना था जिन लोगों के गांव में या आसपास कोई बैंक की ब्रांच नहीं होती है। वो लोग आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस का फायदा उठा सकते हैं और नजदीकी साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्र पर जाकर रुपए ले सकते हैं। अब सवाल यहां ये भी उठता है कि AEPS का इस्तेमाल करके रुपए निकालने की प्रक्रिया क्या है। AEPS सिस्टम से रुपए निकालने के लिए व्यक्ति को सिर्फ आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज करना होता है, जिसमें थंब और आयरिस स्कैन शामिल है। इसके बाद वो अपने बैंक अकाउंट से आसानी से रुपए निकाल सकते हैं और अब इस सिंपल प्रोसेस का इस्तेमाल साइबर ठग करने लगे हैं। विक्टिम के फिंगरप्रिंट को कॉपी कर लेते हैं और बस माल ले उड़ते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये फिंगरप्रिंट कैसे कॉपी करते हैं ये साइबर ठग। पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करने के लिए गांव वालों के पास जाते हैं। इसके बाद उन्हें इंस्टेंट लोन या फिर राशन कार्ड का बहाना लगाते हैं और उसके बाद चोरी छिपे उनके फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर लेते हैं। तो ये है तरीका भोले भाले कम पढ़े लिखे लोगों से ठगी करने का। इस तरह से क्लोनिंग कर कम पढ़े लिखे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं ये साइबर ठगी के मास्टरमाइंड। AEPS के जरिए एक बार में 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए OTP नहीं आता है। इस बात का फायदा जालसाज उठाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल में आने वाले SMS पर नजर जरूर रखनी चाहिए। रुपए निकलने का मैसेज आने पर सबसे पहले बैंक को संपर्क करना चाहिए। सावधानी ही आपको इस जालसाजी से बचा सकती है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत तो बहुत पुरानी है। जरा सी चूक आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। जैसे कि आपने भी इस ठगी के बारे में कुछ सुना है, क्या आप फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के बारे में और कुछ भी जानते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें।